नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। बढ़ते अगली खबर की ओर। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप और राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। अब चोरी का आरोप भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर लग गया है। जी हाँ, है ना चौंकने वाली खबर। अब खेसारी लाल यादव पर भी आरोप है कि वो चोरी का गाना गा रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं एक नए नवेले अभिनेता और गीतकार हैं सुमित द्विवेदी पवन। ये वीडियो लाइव आकर के कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव, आपकी बहुत बड़ी इमेज है, आपके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग्स हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपके कंधों पर ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा काम करता है, लेकिन आप पर भी चोरी के आरोप है। ये सुमित द्विवेदी कहते हैं कि एक नया गाना, मैंने आपको बताया था कल ही परसों खेसारी लाल यादव दुबई से लौटे हैं और वो एक गाना गा रहे हैं, भतीजवा तुर माइयो जिंदाबाद, इस तरीके का वो गाना गा रहे हैं एक जो होली में आने वाला है। लेकिन उस पर सुमित द्विवेदी पवन कह रहे हैं कि खेसारी भैया, आपने चोरी का ये गाना गाया है, ये पहले किसी और सिंगर ने गा दिया है। क्या कुछ कहा है सुमित द्विवेदी ने, वो आपको जरूर सुनना चाहिए और आपको भी सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्यों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या ये सच है कि एक दूसरे की गाना चोरी करके ये गा रहे हैं। आइए वो पूरा रिपोर्ट देखते हैं सुमित द्विवेदी का। भाई का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिसका दिखेगा उसका मैं नाम जरूर लूंगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कोई नाराज नहीं होगा। मैं अभी बात करने के लिए मैं इसलिए आया हूँ कि कितने लोग बोलते हैं कि मैं खेसारी लाल यादव जी को मैं गाली देता हूँ, तो मैं खेसारी लाल यादव जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आज तक गाली नहीं दिया हूँ, और अगर गाली का साबूत और प्रूफ किसी भाई बंधु के पास हो, ठीक ना, तो वो उसे जरूर जी आपने खेसारी जी को गाली दिया है। मैं आज तक गाली नहीं दिया हूँ खेसारी लाल यादव जी को। खेसारी लाल यादव जी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के स्तंभ हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री जो है इन्हीं लोगों के सर पर टिका हुआ है। खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, रितेश जी, कल्लू जी, समर जी, ये जो इंडस्ट्री है आप ही लोगों के कंधे पे टिका हुआ है, आप लोगों के सर पे टिका हुआ है, आप लोग स्तंभ है इस इंडस्ट्री के। नीलकमल जी, लेकिन जब आप लोग गलती करते हैं बहुत तकलीफ लगता है, ठीक ना। एक गाना आदरणीय खेसारी लाल यादव जी गाए हुए हैं, भतीजा तुर मौसी जिंदाबाद, भतीजा तुर मैयो जिंदाबाद, बहुत अच्छा गाए हुए हैं, होली का सॉन्ग है, मैं भी सुना तो मैं भी उस गाने का फैन हो गया, मैं बोला कि नहीं बहुत अच्छा गाना है, और जो कि मैं अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके मैं रखा हूँ उस गाने को। लेकिन कल मुझे पता चला कि वो गाना है बृजेश सिंह जी का, जो कि ये गाना गाए हुए थे माजा हमरो से पहले कोई ले ले हुई, अच्छे गायक हैं, वो भी बढ़िया गाते हैं, ठीक ना। उनको अखिलेश कश्यप जी गवाए हुए थे, ठीक है। अखिलेश कश्यप जी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आप ठीक ना, ये मत समझिए मैं आपको टारगेट कर रहा हूं। तो अखिलेश कश्यप जी गवाए हुए थे गाना बृजेश सिंह जी से, बाद में उन्होंने फिर गवा दिया खेसारी लाल यादव जी से। अखिलेश कश्यप जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपको लगा था कि ये गाना खेसारी जी गाएंगे, तो आपको बृजेश सिंह से गवाने की क्या जरूरत थी? और मैं आदिशक्ति कंपनी के मालिक मनोज मिश्रा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कभी रूबरू नहीं हुआ उनसे, ठीक है, और मार्केट में उनकी कंपनी जो है एक स्टेबल कंपनी है, ठीक है, स्टेबल है, और नामचीन कंपनियों में उनके कंपनी का नाम आता है आदिशक्ति फिल्म्स। मिश्रा जी
ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक ना। और ये भी मत सोचिए कि मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ। कलाकार जो होते हैं आपके लिए बराबर होने चाहिए, ठीक है। कंपनी जो होती है कलाकार का माँ बाप होता है, ठीक ना। तो माँ बाप को कभी दो आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो दो आंखा नहीं देखना चाहिए, सभी लोग उनके लिए बराबर हैं। और खेसारी लाल यादव जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, ठीक है। आप मेरे बहुत ही प्रिय सुपरस्टारों में से एक हैं। जब आपको कोई भी कंपनी अगर मैटर गवाती है चोरी का, या कोई भी राइटर आपको चोरी का मैटर गवाता है, तो दोबारा से आप उसका गाना मत गाइए। दूसरा नंबर चीज देखिए, मैं आपको साथ तो दे नहीं सकता हूँ, आप बड़े हैं हमसे, आप सोच सकते हैं इस बात को, मेरे भावनाओं को समझ सकते हैं। जो गाना आप गाते हैं उस गाने से आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और दूसरा सिंगर भी गाता है तो उसका भी उस गाने से भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो ऐसा मत कीजिए। और जो कंपनी आपको चोरी का मैटर गवाती है, उस कंपनी से आप गाना बंद कर दीजिए। आपके पास कंपनी की कमी है महाराज, सबसे बड़ी कंपनी तो आपकी है। कैसे आपको कोई कंपनी ना गवाए, तो आपके लिए सबसे बड़ी कंपनी है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी कंपनी तो आपकी फैन फॉलोइंग है। आप कहीं से भी एक नया चैनल क्रिएट करके अगर गाना डाल देते हैं, तो आपके गाने मिलियन चले जाएंगे। ये मेरा मानना है। और जैसे कि आपके सपोर्टर हैं लोग, कम्युनिटी वगैरह मारने वाले, तो लोग मार देंगे। आप कहीं से भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी भी है। हम लोग जैसे सामान्य जीवन जीते हैं, ठीक है, तो हम लोगों से कई हजार गुना आप अच्छे हैं। और खेसारी लाल यादव जी, आप सुपर स्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, ठीक ना। तो आप ऐसा काम कीजिए, ठीक है, जिससे लोग आपको पूजे, लोग आपको अपना आदर्श माने, न कि लोग आपके लिए गालियां बके, न कि आपके लिए बद्दुआएं दे। भोजपुरी इंडस्ट्री में हर किसी का इच्छा होना चाहिए कि मैं खेसारी लाल यादव जी से दुआ लूं, मैं उनसे आशीर्वाद लूं, मैं उनसे कुछ सीखूं, ना कि लोगों को ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये आपसे अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये मैटर मैं अच्छा गा रहा हूँ, खेसरिया उठा के गा दी। ऐसा मत कीजिए महाराज, नम्र निवेदन है आपसे। और मुझे खेसारी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं खेसारी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। खेसारी जी से हमें कभी कभी बात भी होती है व्हाट्सएप पे, और मैं बहुत जिज्ञासु हूँ। मैं खेसारी लाल यादव जी को गाने लिखने के लिए मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा मैटर लिखूँ जो खेसारी लाल यादव जी को अच्छा लगे, और खेसारी लाल यादव जी उस मैटर को गाएं। ये मेरी इच्छा है। मेरी दिली इच्छा है कि मेरे लिखे हुए गानों को खेसारी लाल यादव जी अपने मुख से गुनगुनाएं। लेकिन खेसारी लाल यादव जी, ये अच्छी बात नहीं है। ब्रजेश सिंह का गाना चढ़ा हुआ था, मालूम नहीं आप उतरवाए कि कंपनी वाला उतार दिए। जबकि देखिए, आदिशक्ति कंपनी के एग्रीमेंटेड सिंगर हैं ब्रजेश सिंह, और वो इस गाना को गाए हुए थे, भतीजा तुर मौसी जिंदाबाद, भतीजा तुर मयूर जिंदाबाद। उस गाना को अखिलेश कश्यप ने उठा के गवा दिया खेसारी जी को। और खेसारी जी, आपके साथ पहले बार नहीं हो रहा है, ये दूसरे बार हुआ है आपके। इससे आपके स्टारडम को फर्क पड़ता है। ये मत समझिए कि 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन चला जा रहा है गाना, तो इससे आपकी बड़प्पन हो रही है।
इससे आपके स्टारडम पे फर्क पड़ रहा है। आपकी स्टारडम बहुत बड़ी है, आपके सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, छोटे कलाकार आपके सामने नहीं बोल पाते हैं। जो आपकी अच्छी वाली फैन फॉलोइंग है आपको बहुत प्यार करती है और आपके सिवा उसको कोई दिखता नहीं है, इसलिए आपके खिलाफ कोई एक शब्द बोलेगा तो उसको लोग गालियों से मतलब नवाज देंगे, उसको लोग गालियों से नवाजते हैं। एक मैं ही ऐसा इंसान हूँ कि आपके आपके फैन लोग मुझे गालियों से भी नवाजते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ और हमेशा सत्य बोलते आऊँगा। जब तक जीऊँगा तब तक सत्य बोलूँगा। और रियली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जितने भी मेरे मेरे दोस्त हैं या फिर खेसारी जी का फैन फॉलोइंग है या फिर पवन जी के या फिर मतलब इंडस्ट्री के डिस्टेंट जितने भी सुपरस्टार हैं सबके फैन फॉलोइंग, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। मैं आज ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। ये तो मेरी दिली इच्छा होती है कि मैं खूब अच्छा लिखूँ और मेरे भी गाने स्टार गाया करे, लेकिन कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि इतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जिसके कारण ये लोग नहीं गा पाते हैं मेरे गाना। क्यों? जिस दिन मैं अच्छा लिखूंगा जरूर ये लोग मेरा गाना गाएंगे, लेकिन ये अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि आप किसी दूसरे का मेहनत आप चुरा लें। तो आपने देखा किस तरीके से सुमित द्विवेदी, पवन लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो इससे पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कई ऐसे गीतकारों और संगीतकारों को भी आरोप लगा चुके हैं कि वो लोग भी गाने चोरी करके गाते। उसके बाद इन्होंने सीधा खेसारी लाल यादव पर हमला बोल दिया कि आप भी गाने चोरी करके गाते हैं, और उन्होंने इसका पूरा प्रूफ भी दिया कि वो गाना किसी और ने गाया, आपने पूरा सुना। लेकिन आप सोचिए कि क्या चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्यों कोई एक दूसरे के गाने चोरी करके गाने लगा है। हालांकि अभी तक खेसारी लाल यादव की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान तो नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि खेसारी लाल यादव जल्द ही लाइव आकर के इस पूरे मसले पर अपनी तरफ से सफाई रखेंगे। और देखना होगा कि क्या कुछ कहते हैं सुमित द्विवेदी और पवन को खेसारी लाल यादव। अक्सर ऐसा होता है कि हर मुद्दे पर खेसारी लाल यादव वक्त निकाल करके लाइव आ ही जाते हैं और अपने दर्शकों से अपने दिल की बात बताते हैं। देखना ये होगा कि क्या ये खबर सच में सही है कि खेसारी लाल यादव चोरी के गाने गाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए, इससे जुड़ी हम पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आप कमेंट करके अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।